नहीं, लोग गंदी गंदी गाली गलौज करते, हमको पूरी आवाज आती है। आमच्या समोर त्यांनी जाळी तोडली, मी त्याला विरोध केला तर तोच माझ्या अंगावर छाती काढून आम्हालाच नहीं जा सकते, वहाँ वाइन शॉप परेशान करता, इधर ये लोग परेशान करते, तो है हमारा निकलना मुश्किल। ये लोकल कुछ लोग हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन बना के किराए से झोड़ भट्टी वाले को दिया हुआ। बहराज फिरत में आम्ही संध्याकाळी, तिकडनं दारूचं दुकान आहे, लोक घाण घाण शिवात येत जातात, त्याच्यामुळे आम्ही पायी सुद्धा चालू शकत नाही। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समस्या करीबन यहाँ पूरे मोहल्ले में है, लेकिन आज भी डर के मारे महिला घर के बाहर नहीं निकलती कि ताकि इन लोग उनको कल टारगेट न बनाए। नमस्कार, वीकेबी के स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। पश्चिम नागपुर के झिंगाबाई टाकड़ी परिसर में आदर्श नगर के करीब बैठी झोपड़पट्टी से आदर्श नगर वासियों को अब निजात मिल गई। गुरुवार को उच्च न्यायालय के आदेश पर आखिरकार नाले के किनारे बसे 26 झोपड़ों पर एनआईटी का बुलडोजर चल गया, जिसके कारण आदर्श नगर की महिलाओं ने चैन की सांस ली और झोपड़पट्टी से होने वाली परेशानियों को हमसे साझा किया। नागपुर शहर का विस्तार जैसे जैसे हो रहा है, वैसे वैसे झोपड़पट्टी जैसी समस्याएं हर इलाके में पाई जा रही हैं, जिसके कारण जो टैक्स पे कर रहा है उसे काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। पश्चिम नागपुर के झिंगाबाई टाकली परिसर के करीब आदर्श नगर के नागरिक पिछले कई वर्षों से नाले के करीब बनी झोपड़पट्टी से परेशान थे, जिसके पीछे का कारण था इस झोपड़पट्टी से असामाजिक तत्वों का बढ़ता प्रमाण, जिससे खासकर यहां की महिलाएं काफी परेशान थी। और आज जब इस अनाधिकृत झोपड़ों को उठाया गया तब महिलाओं ने खुशी जताई। 32 वर्षापासून निवासी आहे, त्यांच्यानंतर आमच्या समोरच ही झोपडपट्टी एक एक करता करता पूर्ण एरिया त्यांनी घेरून घेतला, आणि त्याच्यानंतर आता आम्ही गार्डन केलेलं आहे। आमच्या समोर त्यांनी जाळी तोडली, मी त्याला विरोध केला तर तोच माझ्या अंगावर छाती काढून आम्हालाच भीती दाखवतो येऊन, म्हणजे त्यांच्या विरोधात आम्ही काहीच कारवाई करू शकत नाही एरियात, कारण आम्ही दोघंच मिस्टर आणि मिसेस सिनियर राहतो, आमच्या मुलींचे लग्न झालेले आहे। हा धमकी देतात, धमकी सारखं म्हणजे असे घुरावून पाहतात, छाती काढून येतात, पण इथे सेफ नाही आहे। काही काही मुली बाहेरून येतात, इथे वाईट कारवाई करतात, दारू पाहिले आम्ही, दारू विकतात, पुष्कळ काही इथे अनलिगल काम चालत आता ते इतका आनंद झाला की गगनात माणूस आहे की, आणि सगळ्या एरिया आमच्या सुख समाधानी राहू, कारण आम्ही प्लॉट घेऊन विकत घेऊन राहतो तरी आम्ही धाकात जीवन घरात फिरत नाही। आम्ही संध्याकाळी तिकडनं दारूचं दुकान आहे, लोक घाण घाण शिवात येत जातात, त्याच्यामुळे आम्ही पायी सुद्धा चालू शकत नाही। हमें बहुत तकलीफ थी, सबसे फर्स्ट घर हमारा ही आता है, जिसमें लोग गंदी गंदी गाली गलौज करते, हमको पूरी आवाज आती है, किचन में काम भी करते रहो तो भी पूरी आवाज आती है, बाहर निकल ही नहीं सकते, बच्चे पढ़ने वाले हैं तो भी आवाज आती है, बेडरूम में भी पूरी आवाज आती है। बहुत खुशी हुई मुझे ये जो काम हुआ, अब इसमें कोई भी अतिक्रमण करे ना, ये आपकी भी कोशिश है हमारी भी कोशिश है, यहाँ कुछ ना कुछ बने और हमको हम इस ये बला से फ्री हो गए और आगे तक के फ्री रहे, क्योंकि हमको बहुत तकलीफ है, इधर से भी नहीं जा सकते, वहाँ वाइन शॉप परेशान करता, इधर ये लोग परेशान करते, तो है हमारा निकलना मुश्किल था। इससे बहुत खुशी की बात है, आगे भी ऐसे ही कुछ काम हो जिससे हम यहाँ फ्री हो सके, रह सके, आराम से जी सके। सबके खुद के स्वयं के मकान है, ये लोग झोपड़पट्टी बना के अतिक्रमण कर करके हमारा निकलना मुश्किल हो गया था, तो भी हमने अभी गार्डन में कलेक्शन करके गार्डन बनाया, सब कुछ बनाया, तो यही एरिया तोड़ दिए। एरिया के एक लड़के ने हमारे सामने जाली काट काट के ले गया, अब वो रात को ड्रिंक करता है, बच्चे खेलते रहते हैं, हम बोल नहीं सकते, हम बोले तो वो कुछ भी निकालता है हाथ से, पर इन लोगों ने बोले भी तो उसे कुछ बोल नहीं सकते, तो इसलिए काम बहुत अच्छा हो गया। वेरी वेरी थैंक यू आपका भी सर। और जायसवाल है बस्ती में, यहाँ पे हमको परेशानी ये थी कि इन लोग से यहाँ पे इनलीगल काम होते थे, दारू पी पी के लोग आते थे, स्पीड में गाड़ियां चलाते थे, हमारे बच्चे खेलते हैं यहाँ पे मोहल्ले में, बच्चे खेलते हैं तो उनको डरा के जाते हैं, हमने आंखों से देखा है ये सब चीजें, बहुत सी दिक्कतें हैं हमको यहाँ पे इन लोग के रहने से। कितने वर्षों से रह रहे हैं आप? हमको खुद को यहाँ 13 साल हो गए रहते हैं। जी। और क्या परेशानी? बस यही सब, दारू पी पी के गाली गलौज होती थी, हम लोग को आवाज आती, रात रात को झगड़े होते हैं यहाँ पे। जी जी। लोग गंदी गंदी गाली गलौज करते, हमको पूरी आवाज आती है, आमच्या समोर त्यांनी जाळी तोडली, मी त्याला विरोध केला तर तोच माझ्या अंगावर छाती काढून आम्हालाच नाही जा सकते, वहां वाइन शॉप परेशान करता, इधर ये लोग परेशान करते,
तो है ना हमारा निकलना मुश्किल। ही लोकल कुछ लोग हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन बना के किराए से झोड़ भट्टी वाले को दिया हुआ। फिरत नाही आम्ही संध्याकाळी, तिकडनं दारूचं दुकान आहे, लोक घाण घाण शिवात येत जातात, त्याच्यामुळे आम्ही पायी सुद्धा चालू शकत नाही। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समस्या करीबन यहाँ पूरे मोहल्ले में है, लेकिन आज भी डर के मारे महिला घर के बाहर नहीं निकलती कि ताकि इन लोग उनको कल टारगेट न बनाए। मिली जानकारी के मुताबिक आदर्श नगर के नाले के करीब 26 झोपड़े गैर कानूनी तरीके से बांधे गए थे, जहां शराब पीकर रोजाना असामाजिक तत्वों द्वारा हंगामा खड़ा किया जाता था। बताया ये भी जा रहा है कि शहर के किसी बड़े कांग्रेसी नेता के चेले चपाटे इन झोपड़पट्टी धारकों से महीने की हफ्ता वसूली भी करते थे, जिसके कारण इन झोपड़ों को हटाने में प्रशासन पर भी दबाव था। खैर, उच्च न्यायालय के आदेश और एनसीपी नेता आनंद सिंह के प्रयासों को आज सफलता मिली, जिसके कारण पूरा अतिक्रमण सफाया यहां पुलिस बंदोबस्त में किया गया। खुशी है लोगों को? हाँ, लोगों में खुशी है, क्योंकि ये परेशानी या बस्ती के सभी परिवार को होती थी और इसके लिए बहुत पहले भी कोशिश की है, लेकिन नाकामियां भी हरदम मिलती थी। लेकिन कैसे, सभी लोग के सहयोग से और सभी ने एक मन ये बना के रखा था कि हमारे मोहल्ले में शांति होना, महिला सुरक्षा होना, जो लेडीज है वो सुरक्षित रहना चाहिए और परिवार के हर आदमी को किसी तरह की तकलीफ ना हो। कारण ऐसा था कि यहाँ पर जो इनलीगल जो बनी हुई थी झोपड़पट्टियाँ, इसमें मेन अगर देखा जाए, जब हम तय में इसके आखिरी में जब हम गए तो हमको ये पता चला कि यहाँ पर जो लोग हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन पक्का बनाया है, वो यहाँ के ही लोकल कुछ लोग हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन बना के किराए से झोड़पट्टी वाले को दिया हुआ है। और इससे परेशानी ये होती थी कि दो चार कंस्ट्रक्शन नहीं, कम से कम पक्के कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कम से कम 10-12 बन गए थे और ऐसे कुल मिला के 26 झोड़पट्टियाँ यहाँ पर बनी हुई थी। यहाँ पर यह होता था कि जो लोग बाहर के जो आते थे, यहाँ पर तीन चीज़ की सबसे ज़्यादा समस्या ये होती थी इन लोग जो करते थे। एक तो यहाँ पर दारू का बहुत बड़ा ये होता था, शाम में रोज़ दारू पीना, गाली गलौज करना, जिससे मोहल्ले में आने जाने वाले या रहने वाले जो लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत का सामना पड़ता था। दूसरी बात ऐसा है कि यहाँ पर जुआ खेलने का भी कारोबार बहुत होता था। और तीसरा जो है असामाजिक, यानी बाहर की महिला आना, ये सारी चीज़ें। और फिर अब क्या होता था, मोहल्ले में जो अच्छे सीधे साधे लोग हैं बेचारे, वो बोलने को इस वजह से डरते थे कि अगर उन्होंने इनको समझाने की प्रयास करा किए उन्होंने, तो क्या होता था, ये लोग दारू पी के उस पर गाली गलौज करना, यानी इस लेवल पे चले जाते थे कि एक सामान्य परिवार की महिला बोलो या पुरुष बोलो, उनका सामना नहीं कर पाता था। तो धीरे धीरे अभी इनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हावी हो गए थे। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समस्या करीबन यहाँ पूरे मोहल्ले में है, लेकिन आज भी डर के मारे महिला घर के बाहर नहीं निकलती कि ताकि इन लोग उनको कल टारगेट न बनाए। संतुष्ट है सारी चीज़? अभी बहुत संतुष्टि है और सभी के मन में खुशी की लहर है कि हमने इतनी मेहनत की है, उसका फल हमको मिला। आपने देखा होगा कि हर महिलाओं के अंदर में खुशी है। हमने इसमें ये सोचा हुआ है कि सभी लोग कंट्रीब्यूशन करके वहाँ पर एक पोल का एक कंपाउंड करवा लेंगे, करवाने के बाद में प्लांटेशन वहाँ करेंगे। और प्लांटेशन से ऐसा है कि वहाँ जो प्लांटेशन बनेंगे, गार्डन तैयार होगा, तो यही मोहल्ले के हमारे बच्चे हो गए, महिला हो गए, यहाँ के अपना कुछ समय स्पेंड करेंगी, ऐसा हमने नियोजन किया। यानी अभी जो अतिक्रमण के कार्रवाई के बाद में इसको पूरी तरह से अंत देंगे हम लोग और अच्छे से अच्छा यहाँ पर प्लांटेशन का कार्यक्रम करने का सोचा हुआ। लोग गंदी गंदी गाली गलौज करते, हमको पूरी आवाज आती है, आमच्या समोर त्यांनी जाळी तोडली, मी त्याला विरोध केला तर तोच माझ्या अंगावर छाती काढून आम्हालाच नहीं जा सकते, वहाँ वाइन शॉप परेशान करता, इधर ये लोग परेशान करते, तो है ना हमारा निकलना मुश्किल। ही लोकल कुछ लोग हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन बना के किराए से झोड़पट्टी वाले को दिया हुआ। फिरत नाही आम्ही संध्याकाळी, तिकडनं दारूचं दुकान आहे, लोक घाण घाण शिवात येत जातात, त्याच्यामुळे आम्ही पायी सुद्धा चालू शकत नाही। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समस्या करीबन यहाँ पूरे मोहल्ले में है, लेकिन आज भी डर के मारे महिला घर के बाहर नहीं निकलती कि ताकि इन लोग उनको कल टारगेट न बनाए।
बहरहाल आदर्श नगर वासियों ने आज राहत की सांस ली, जबकि झोपड़पट्टी वासियों के चेहरे पर गुस्सा देखा जा रहा था। वहीं भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच नाले के समीप 26 झोपड़ों को हटाया गया, जिसे हटाने के लिए नागपुर सुधार प्रन्यास को भी उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद 2 महीनों से ज्यादा का समय लग गया, जिसका जवाब एनआईटी के अधिकारियों ने मिला नहीं। फिलहाल आदर्श नगर के पास नाले के पास अतिक्रमण साफ हो गया, जिसकी खुशी स्थानिक नागरिकों के चेहरे पर साफ झलक रही थी। नागपुर से मुकेश हेड़ाव की रिपोर्ट, वीकेबी न्यूज के लिए। गंदी गंदी गाली गलोच करते, उनको पूरी आवाज आती है। आमच्या समोर त्यांनी जाळी तोडली, मी त्याला विरोध केला तर तोच माझ्या अंगावर छाती काढून आम्हालाच नहीं जा सकते। वहाँ वाइन शॉप परेशान करता, इधर ये लोग परेशान करते, तो है ना हमारा निकलना मुश्किल। ये लोकल कुछ लोग हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन बना के किराए से झोपड़पट्टी वाले को दिया हुआ। बहराज फिरत नाही आम्ही संध्याकाळी, तिकडनं दारूचं दुकान आहे, लोक घाण घाण शिवात येत जातात, त्याच्यामुळे आम्ही पायी सुद्धा चालू शकत नाही। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समस्या करीबन यहाँ पूरे मोहल्ले में है, लेकिन आज भी डर के मारे महिला घर के बाहर नहीं निकलती कि ताकि इन लोग उनको कल टारगेट न बनाए। लोग गंदी गंदी गाली गलोच करते, उनको पूरी आवाज आती है। आमच्या समोर त्यांनी जाळी तोडली, मी त्याला विरोध केला तर तोच माझ्या अंगावर छाती काढून आम्हालाच नहीं जा सकते। वहाँ वाइन शॉप परेशान करता, इधर ये लोग परेशान करते, तो है ना हमारा निकलना मुश्किल। ये लोकल कुछ लोग हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन बना के किराए से झोपड़पट्टी वाले को दिया हुआ। बहराज फिरत नाही आम्ही संध्याकाळी, तिकडनं दारूचं दुकान आहे, लोक घाण घाण शिवात येत जातात, त्याच्यामुळे आम्ही पायी सुद्धा चालू शकत नाही। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समस्या करीबन यहाँ पूरे मोहल्ले में है, लेकिन आज भी डर के मारे महिला घर के बाहर नहीं निकलती कि ताकि इन लोग उनको कल टारगेट न बनाए। नमस्कार, वीकेबी के इस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। पश्चिम नागपुर के झिंगाबाई टाकड़ी परिसर में आदर्श नगर के करीब बैठी झोपड़पट्टी से आदर्श नगर वासियों को अब निजात मिल गई। गुरुवार को उच्च न्यायालय के आदेश पर आखिरकार नाले के किनारे बसे 26 झोपड़ों पर एनआईटी का बुलडोजर चल गया, जिसके कारण आदर्श नगर की महिलाओं ने चैन की सांस ली और झोपड़पट्टी से होने वाली परेशानियों को हमसे साझा किया। नागपुर शहर का विस्तार जैसे जैसे हो रहा है, वैसे वैसे झोपड़पट्टी जैसी समस्याएं हर इलाके में पाई जा रही हैं, जिसके कारण जो टैक्स पे कर रहा है उसे काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। पश्चिम नागपुर के झिंगाबाई टाकली परिसर के करीब आदर्श नगर के नागरिक पिछले कई वर्षों से नाले के करीब बनी झोपड़पट्टी से परेशान थे, जिसके पीछे का कारण था इस झोपड़पट्टी से असामाजिक तत्वों का बढ़ता प्रमाण, जिससे खासकर यहां की महिलाएं काफी परेशान थी। और आज जब इस अनाधिकृत झोपड़ियों को उठाया गया तब महिलाओं ने खुशी जताई। 32 वर्षापासून निवासी आहे, त्यांच्यानंतर आमच्या समोरच ही झोपडपट्टी एक एक करता करता पूर्ण एरिया त्यांनी घेरून घेतला, आणि त्याच्यानंतर आता आम्ही गार्डन केलेलं आहे। आमच्या समोर त्यांनी जाळी तोडली, मी त्याला विरोध केला तर तोच माझ्या अंगावर छाती काढून आम्हालाच भीती दाखवतो येऊन, म्हणजे त्यांच्या विरोधात आम्ही काहीच कारवाई करू शकत नाही एरियात, कारण आम्ही दोघंच मिस्टर आणि मिसेस सिनियर राहतो, आमच्या मुलींची लग्न झालेली आहे। हा धमकी देतात, धमकी सारखं म्हणजे असे घुरावून पाहतात, छाती काढून येतात, पण इथे सेफ नाही आहे। काही काही मुली बाहेरून येतात, इथे वाईट कारवाई करतात, दारू पाहिले आम्ही, दारू विकतात, पुष्कळ काही इथे अनलिगल काम चालत आता तर इतका आनंद झाला की गगनात मानस आहे की, आणि सगळ्या एरिया आमच्या सुख समाधानी राह, कारण आम्ही प्लॉट घेऊन विकत घेऊन राहतो तरी आम्ही धाकात जीवन। बहराज फिरत नाही आम्ही संध्याकाळी, तिकडनं दारूचं दुकान आहे, लोक घाण घाण शिवात येत जातात, त्याच्यामुळे आम्ही पायी सुद्धा चालू शकत नाही। हां, आम्ही बहुत तकलीफ थी, सबसे फर्स्ट घर हमारा ही आता है, जिसमें लोग गंदी गंदी गाली गलोच करते, उनको पूरी आवाज आती है, किचन में काम भी करते रहो तो भी पूरी आवाज आती है, बाहर निकल ही नहीं सकते, बच्चे पढ़ने वाले हैं तो भी आवाज आती है, बेडरूम में भी पूरी आवाज आती है। बहुत खुशी हुई मुझे ये जो काम हुआ, अब इसमें कोई भी अतिक्रमण करे ना, ये आपकी भी कोशिश है, हमारी भी कोशिश है।
यहाँ कुछ ना कुछ बने और हमको हम इस ये बला से फ्री हो गए और आगे तक के फ्री रहें, क्योंकि हमको बहुत तकलीफ है। इधर से भी नहीं जा सकते, वहाँ वाइन शॉप परेशान करता, इधर ये लोग परेशान करते, तो है ना हमारा निकलना मुश्किल था। इससे बहुत खुशी की बात है, आगे भी ऐसे ही कुछ काम हो जिससे हम यहाँ फ्री हो सके, रह सके, आराम से जी सके। सबके खुद के स्वयं के मकान है, ये लोग झोपड़पट्टी बना बना के अतिक्रमण कर करके हमारा निकलना मुश्किल हो गया था। तो भी हमने भी गार्डन में कलेक्शन करके गार्डन बनाया, सब कुछ बनाया, तो यही एरिया के एक लड़के ने हमारे सामने जाली काट काट के ले गया। अब वो रात को ड्रिंक करता है, बच्चे खेलते रहते हैं, हम बोल नहीं सकते, हम बोले तो वो कुछ भी निकालता है हाथ से, पर ये लोग ने बोले भी तो उसे कुछ बोल नहीं सकते, तो इसलिए काम बहुत अच्छा हो गया। वेरी वेरी थैंक यू आपका भी सर। गौरव जायसवाल है, बस्ती में यहाँ पे हमको परेशानी ये थी कि इन लोग से यहाँ पे इलीगल काम होते थे, दारू पी पी के लोग आते थे, स्पीड में गाड़ियाँ चलाते थे, हमारे बच्चे खेलते हैं यहाँ पे मोहल्ले में, बच्चे खेलते हैं तो उनको डरा के जाते हैं, हमने आंखों से देखा है ये सब चीजें। बहुत सी दिक्कतें हैं हमको यहाँ पे इन लोग के रहने से। कितने वर्षों से रह रहे हैं आप? हमको खुद को यहाँ 13 साल हो गए रहते हैं जी। और क्या परेशानी? बस यही सब, दारू पी पी के गाली गलौज होती थी, हम लोग को आवाज आती, रात रात को झगड़े होते हैं यहाँ पे। लोग गंदी गंदी गाली गलौज करते, हमको पूरी आवाज आती है। आमच्या समोर त्यांनी जाळी तोडली, मी त्याला विरोध केला, तर तोच माझ्या अंगावर छाती काढून आम्हालाच नाही जा सकते, वहां वाइन शॉप परेशान करता, इधर ये लोग परेशान करते, तो है ना हमारा निकलना मुश्किल। ये लोकल कुछ लोग है जिन्होंने कंस्ट्रक्शन बना के किराए से झोड़पट्टी वाले को दिया हुआ। बहराज फिरत नाही आम्ही संध्याकाळी, तिकडनं दारूचं दुकान आहे, लोक घाण घाण शिवात येत जातात, त्याच्यामुळे आम्ही पायी सुद्धा चालू शकत नाही। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समस्या करीबन यहाँ पूरे मोहल्ले में है, लेकिन आज भी डर के मारे महिला घर के बाहर नहीं निकलती कि ताकि इन लोग उनको कल टारगेट न बनाए। मिली जानकारी के मुताबिक आदर्श नगर के नाले के करीब 26 झोपड़े गैर कानूनी तरीके से बांधे गए थे, जहां शराब पीकर रोजाना असामाजिक तत्वों द्वारा हंगामा खड़ा किया जाता था। बताया ये भी जा रहा है कि शहर के किसी बड़े कांग्रेसी नेता के चेले चपाटे इन झोपड़पट्टी धारकों से महीने की हफ्ता वसूली भी करते थे, जिसके कारण इन झोपड़ों को हटाने में प्रशासन पर भी दबाव था। खैर, उच्च न्यायालय के आदेश और एनसीपी नेता आनंद सिंह के प्रयासों को आज सफलता मिली, जिसके कारण पूरा अतिक्रमण सफाया यहां पुलिस बंदोबस्त में किया गया। खुशी है लोगों में? हाँ, लोगों में खुशी है, क्योंकि ये परेशानी या बस्ती के सभी परिवार को होती थी और इसके लिए बहुत पहले भी कोशिश किए, लेकिन नाकामयाबी हरदम मिलती थी। लेकिन कैसे, सभी लोग के सहयोग से और सभी ने एक मन ये बना के रखा था कि हमारे मोहल्ले में शांति होना, महिला सुरक्षा होना, जो लेडीज है वो सुरक्षित रहना चाहिए और परिवार के हर आदमी को किसी तरह की तकलीफ ना हो। कारण ऐसा था कि यहाँ पर जो इनलीगल जो बनी हुई थी झोपड़पट्टियाँ, इसमें मेन अगर देखा जाए, जब हम तय में इसके आखिरी में जब हम गए तो हमको ये पता चला कि यहाँ पर जो लोग हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन पक्का बनाया है, वो यहाँ के ही लोकल कुछ लोग हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन बना के किराए से झोड़पट्टी वाले को दिया हुआ है। और इससे परेशानी ये होती थी कि 2-4 कंस्ट्रक्शन नहीं, कम से कम पक्के कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कम से कम 10-12 बन गए थे और ऐसे कुल मिला के 26 झोड़पट्टियाँ यहाँ पर बनी हुई थी। यहाँ पर यह होता था कि जो लोग बाहर के जो आते थे, यहाँ पर तीन चीज की सबसे ज़्यादा समस्या ये होती थी इन लोग जो करते थे। एक तो यहाँ पर दारू का बहुत बड़ा ये होता था, शाम में रोज़ दारू पीना, गाली गलौज करना, जिससे मोहल्ले में आने जाने वाले या रहने वाले जो लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत का सामना पड़ता था। दूसरी बात ऐसा है कि यहाँ पर जुआ खेलने का भी कारोबार बहुत होता था। और तीसरा जो है असामाजिक, यानी बाहर की महिला आना, ये सारी चीज़ें। और फिर अब क्या होता था, मोहल्ले में जो अच्छे सीधे साधे लोग हैं बेचारे, वो बोलने को इस वजह से डरते थे कि अगर उन्होंने इनको समझाने की प्रयास करा किए उन्होंने, तो क्या होता था, ये लोग दारू पी के उस पर गाली गलौज करना, यानी इस लेवल पे चले जाते थे कि एक सामान्य परिवार की महिला बोलो या पुरुष बोलो, उनका सामना नहीं कर पाता था। तो धीरे धीरे अभी इनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हावी हो गए थे। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समस्या करीबन यहाँ पूरे मोहल्ले में है, लेकिन आज भी डर के मारे महिला घर के बाहर नहीं निकलती कि ताकि इन लोग उनको कल टारगेट ना बनाए।
संतुष्ट है सारी चीज़ें? अभी बहुत संतुष्टि है और सभी के मन में खुशी की लहर है कि हमने इतनी मेहनत की है, उसका फल हमको मिला। आपने देखा होगा कि हर महिलाओं के अंदर में खुशी है। हमने इसमें ये सोचा हुआ है कि सभी लोग कंट्रीब्यूशन करके वहाँ पर एक पोल का एक कंपाउंड करवा लेंगे, करवाने के बाद में प्लांटेशन वहाँ करेंगे। और प्लांटेशन से ऐसा है कि वहाँ जो प्लांटेशन बनेंगे, गार्डन तैयार होंगे, तो यही मोहल्ले के हमारे बच्चे हो गए, महिला हो गए, यहाँ के अपना कुछ समय स्पेंड करेंगी, ऐसा हमने नियोजन किया। यानी अभी जो अतिक्रमण के कार्रवाई के बाद में इसको पूरी तरह से अंत देंगे हम लोग और अच्छे से अच्छा यहाँ पर प्लांटेशन का कार्यक्रम करने का सोचा हुआ। लोग गंदी गंदी गाली गलौज करते, हमको पूरी आवाज आती है। आमच्या समोर त्यांनी जाळी तोडली, मी त्याला विरोध केला, तर तोच माझ्या अंगावर छाती काढून आम्हालाच नाही जा सकते। वाईन शॉप परेशान करता, इधर ये लोग परेशान करते, तो है ना हमारा निकलना मुश्किल। ही लोकल कुछ लोग है जिन्होंने कंस्ट्रक्शन बना के किराए से झोड़बट्टी वाले को दिया हुआ। घरात फिरत नाही आम्ही संध्याकाळी, तिकडनं दारूचं दुकान आहे, लोक घाणघाण शिवात येत जातात, त्याच्यामुळे आम्ही पायी सुद्धा चालू शकत नाही। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समस्या करीबन यहाँ पूरे मोहल्ले में है, लेकिन आज भी डर के मारे महिला घर के बाहर नहीं निकलती कि ताकि इन लोग उनको कल टारगेट न बनाए। बहरहाल आदर्श नगर वासियों ने आज राहत की सांस ली, जबकि झोपड़पट्टी वासियों के चेहरे पर गुस्सा देखा जा रहा था। वहीं भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच नाले के समीप 26 झोपड़ों को हटाया गया, जिसे हटाने के लिए नागपुर सुधार प्रन्यास को भी उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद 2 महीनों से ज्यादा का समय लग गया, जिसका जवाब एनआईटी के अधिकारियों ने मिला नहीं। फिलहाल आदर्श नगर के पास नाले के पास अतिक्रमण साफ हो गया, जिसकी खुशी स्थानिक नागरिकों के चेहरे पर साफ झलक रही थी। नागपुर से मुकेश हेड़ाव की रिपोर्ट, वीकेबी न्यूज के लिए। लोग गंदी गंदी गाली गलौज करते, हमको पूरी आवाज आती है। आमच्या समोर त्यांनी जाळी तोडली, मी त्याला विरोध केला, तर तोच माझ्या अंगावर छाती काढून आम्हालाच नहीं जा सकते। वहाँ वाइन शॉप परेशान करता, इधर ये लोग परेशान करते, तो है ना हमारा निकलना मुश्किल। ही लोकल कुछ लोग है जिन्होंने कंस्ट्रक्शन बना के किराए से झोड़बट्टी वाले को दिया हुआ। घरात फिरत नाही आम्ही संध्याकाळी, तिकडनं दारूचं दुकान आहे, लोक घाणघाण शिवात येत जातात, त्याच्यामुळे आम्ही पायी सुद्धा चालू शकत नाही। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समस्या करीबन यहाँ पूरे मोहल्ले में है, लेकिन आज भी डर के मारे महिला घर के बाहर नहीं निकलती कि ताकि इन लोग उनको कल टारगेट न बनाएं।